जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये SSGD 2021 के बाप सभी को पता है फॉर्म सबमिट होने वाले हैं। पहले इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे काफ़ी मेरे को दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि सर आप वैकेंसी जो SSGD जो वैकेंसी बता रहे थे वो 75,000 प्लस बता रहे थे या 60,000 प्लस ये बता रहे थे, लेकिन जो पेपर में अभी जो एक दिन न्यूज़ आई थी आपने देखा होगा 40,000 से अधिक पदों पर। तो दोस्तों, उसमें पहली बात ये लिखी हुई है कि 40,000 से अधिक पदों पर। दूसरी बात ये कि SSGD को आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हो, SSGD जितनी जैसे 2011 में वैकेंसी ली, 2015 में वैकेंसी ली, वो हर बार उससे ज़्यादा रही है। मतलब जितने पदों की आई है ना उससे ज़्यादा ही रही है, कम नहीं रही है। कम रहने का कोई कारण नहीं हो सकता, किसी भी चांस में कम नहीं रहेगी वैकेंसी। ये मान के चलिए 60,000 प्लस पदों पर ही रहेगी 100%। उसका एक रीज़न ये है कि आप खुद सोचिए कि एक तो एक साल डिले है ये वैकेंसी, ठीक है। एक साल ये आने वाली थी 2020 में, अब आ रही है 2021 में। पहली बात तो एक साल डिले, तो एक साल की जितने भी पोस्टेज है वो सभी जोड़ी जाएगी इसमें। दूसरी बात ये कि जब पिछली बार 60,000 वैकेंसी ली है तो इस साल में और ज़्यादा वैकेंसी पोस्टें रिक्त हो गई है। हर एक फोर्स आप मान के चलिए, जब शुरुआत में चाहे CRPF हो, BSF हो, ये फोर्स बहुत छोटी छोटी थी। अब जैसे जैसे देश डेवलप हो रहा है फोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फोर्स भी बढ़ती जा रही है। तो ये मान के 100% आई है कि आपकी वैकेंसी 60,000 प्लस ही रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी। 40,000 की वो विज्ञप्ति नहीं है, केवल पेपर न्यूज़ है। दूसरी हम बात करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, 101% मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने फॉर्म भरने में इस बार गलती कर दी तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पिछली वैकेंसी में जब हमारी वैकेंसी हुई थी तो फॉर्म का ज़्यादा महत्व नहीं था कि हमने फॉर्म में अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो जो जॉइनिंग के समय उसको सुधार दिया गया था, ठीक है। अभी जो वैकेंसी हुई थी इनमें जिनकी फॉर्म में गलती हुई थी उनको आधे से ज़्यादा को तो रिजेक्शन लेटर भेज दिया। अगर किसी के माइनर यानी बिल्कुल छोटी सी गलती है उसको 10-10 दिन का टाइम दिया गया है। जॉइनिंग भी नहीं कराई गई है उनकी, कुछ बच्चों की जॉइनिंग भी पेंडिंग हो गई है, उनको पहले वो सही करना पड़ेगा। और इस बार भर्ती में आपको बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार गलत कर दिया तो जो विशेष रूप से फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना, वो बातें मैं बताने वाला हूँ। विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में अगर आपका नाम, जो भी नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में, दोस्तों उसको पूरा सही उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स किस नाम से, ये कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका पूरा का पूरा आपके माता पिता का नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है कि मूल निवास, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी SC ST OBC वाले इन सभी बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपके, चाहे आपके जैसे फादर का नाम मान लो मुकेश चौधरी यानी चौधरी लगा हुआ है, और आपके उनके आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें मुकेश ही है, तो आपके मूल निवास में भी मुकेश ही होना चाहिए, वो चौधरी नहीं होना चाहिए। सरनेम में भी अगर मिस्टेक हुई तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे मूल निवास हो, इनमें आपको, और 10th क्लास की मार्कशीट, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपका माता पिता का जो नाम है वही नाम आपके मूल निवास में होना चाहिए, वही आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि इस बार आपके फॉर्म एक्सेप्ट ही ना हो। अगर ये गलतियां कर दी आपके और वापस वेरीफाई कराए तो आपके बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो ऐसी कोई गलती नहीं। अगर दूसरे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को साइबर कैफे वाले के पास में जाके अच्छे से देखें कि आपका डिस्ट्रिक्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों, जिनका बॉर्डर और नक्सल डिस्ट्रिक्ट है तो मैं बताऊं उनको बॉर्डर से अप्लाई करना है, और जिनका जनरल और बॉर्डर है उनको भी बॉर्डर से, यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हमेशा SSGD में फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है। यानी अगर आप मान लो नक्सल से भी बिलोंग करते हो, जनरल से भी बिलोंग करते हो और बॉर्डर से भी बिलोंग करते हो, सॉरी अगर नक्सल और बॉर्डर दोनों से बिलोंग करते हो आप, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो बॉर्डर के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इसलिए आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा डालना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डालना, जो भी दोस्त बिलोंग करते हैं इन डिस्ट्रिक्ट से। दूसरी एक चीज़, जब आप फर्स्ट चॉइस चूज़ करते हो तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एक बार आपकी फर्स्ट चॉइस जो भरी गई है दोबारा चेंज नहीं होगी, कतई चेंज नहीं होगी। इसलिए जब भी साइबर कैफे वाले के पास में फॉर्म भरने जाओ, पहले सोचो, मैंने वीडियो बना रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, आप जाके देख लीजिए कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, उसी डिपार्टमेंट को फर्स्ट चॉइस दे। और फर्स्ट चॉइस का क्या रूल है इसका भी मैंने वीडियो बना रखा, वो भी देख लेना कि किस प्रकार से फर्स्ट चॉइस मिलती है, उसका बेसिक रूल क्या होता है, क्योंकि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि फर्स्ट चॉइस कैसे मिलती है। ज़रूरी नहीं ज़्यादा नंबर हो तो भी फर्स्ट चॉइस मिलती है, कम नंबर पर भी फर्स्ट चॉइस मिलती है।
तो इसलिए एक बार वो ज़रूर देख लेना कि क्या उसका रूल है, और फॉर्म भरने में सावधानी रखे, कहीं पे भी मिस्टेक ना करे। अगर आपके नाम में मिस्टेक हो गई, मैं आपको डॉक्यूमेंट सही दिखा सकता हूँ, एक छोटी सी मतलब आई की जगह ई हो रखा है, उस बच्चे की ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई अभी प्रजेंट टाइम में CRPF में, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ उसका, ठीक है, घर भेज दिया वापस। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ आगे जाके 4 साल बाद में ऐसा हो, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।